हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडेज व्लॉग। तो मेरे लग चुकी है जुकाम फाइनली। मैं सोच रही थी यार सब बीमार हो लिए, मैं क्यों नहीं हुई। तो आखिरकार मेरी खुद की नज़र मुझे ही लग गई और जुकाम हो गई है मुझे। पहले क्या है, दो तीन दिन से मेरा गला ख़राब था क्योंकि आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा, एक बर्थडे पार्टी में गए थे हम लोग। वहाँ मैंने कुछ ज़्यादा ही दो तीन बार कोल्ड ड्रिंक पी ली थी, पसीने भी आ रहे थे, गर्मी लग रही थी क्योंकि ओपन रिजॉर्ट था वो। तो बस वहीं से गला ख़राब हुआ तो अब जुकाम लग गई। इतनी ज़्यादा नहीं लगी है, अभी कंट्रोल में है तो टाइम से दवाई ले लूँगी। और अभी बज रहे हैं 12:30। परी को जो सुला के आई हूँ, मेरा मन तो था मैं सो जाऊँ बट नींद भी आ रही है, बट सो जाऊंगी तो बहुत सारे काम रह जाएंगे। एक तो कपड़े पड़े हैं, कल वॉश किए थे तो उनको फोल्ड करना है, फिर मेरे को लिस्टिंग करनी है मेरे प्रोडक्ट्स की। और अभी जो आप व्लॉग देखो, मतलब इससे पहले जो आपने व्लॉग देखा है वो अभी एडिट किया, अपलोड के लिए डाला हुआ है। तो अभी मैं, मेरे को क्योंकि आज दही वगैरह भी कुछ नहीं कही खाने के साथ, तो मैं मेरे लिए अभी मतलब दूध में पत्ती डाली है मैंने। रात का बचा हुआ दूध था, अभी सुबह आया वो तो रखा हुआ था, तो मैंने इसी में पत्ती डाल ली है। और ये रही अदरक, अब इसमें उबल के तो अदरक डालूंगी। आपको और चीज़ दिखाती हूँ, गौतम मना सरप्राइज़ दे रहा है मेरे को। आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, उन्होंने मेरे लिए जीन्स मंगाई थी और अभी सुबह वो ऑफिस जा रहे थे, उससे पहले ही उनके मतलब जाने से पहले ही दो पार्सल आए थे। तो उन्होंने मुझे नीचे बुला लिया था, बोले तेरे लिए दोनों ओपन कर लेना, क्योंकि मेरे लिए मैंने तो कुछ मंगाया नहीं। बोले तेरे लिए ओपन कर लेना और मुझे बता देना। फिर अभी ओपन करे, पहन के नहीं देखे, अभी पहन के देखूँगी तो आपको दिखाती हूँ मैं एक बार। एक तो ये टी शर्ट है बहुत ही अच्छी सी, इस पर ऐसे कुछ गर्ल्स टाइप का प्रिंट बना हुआ है, टी शर्ट है ये। अच्छा मतलब कलर बहुत अच्छा लगा मुझे इसमें, आपको थोड़ा लाइट दिख रहा है बट ये मरून कलर है, डार्क मैरून कलर। और एक ये टॉप है, ये बहुत प्यारा है, ये ऐसे फ्लावर प्रिंट में है और इसकी स्लीव्स बहुत अच्छी हैं, बलून स्लीव्स होती हैं ना वैसी हैं। खुल जा भाई खुल जा, ये देखिए ये ऐसे बलून स्लीव्स होती हैं ना वो हैं, और ये मतलब एल्बो के ऊपर तक ही आएंगी। तो मैं पहन के देखूंगी इनको, साइज़ वगैरह मुझे तो लग रहा है ठीक ही आएगा। बर्थडे मंथ स्टार्ट हो चुका है, पहले ही हो गया था जिस दिन जीन्स आई थी परसों ही, और अभी ये दो टॉप आ गए हैं। बट मैं गौतम बना को मैंने बोला कि इनसे काम नहीं चलेगा, मैं बर्थडे ड्रेस तो मैं मेरी पसंद की लाऊंगी। कभी आप सोचो, बोले नहीं नहीं ये तो तेरे एक्स्ट्रा गिफ्ट्स हैं तो इन्जॉय कर, बर्थडे ड्रेस तो तेरे को अलग से दिला लाएंगे। तो ये दोनों ही टॉप मुझे बहुत अच्छे लगे, टी शर्ट भी बहुत अच्छी है, टॉप भी बहुत अच्छी है, और दोनों ही ना ब्लैक जीन्स के साथ जाएंगे। मुझे लगता है इन्होंने सोच समझ के ऑर्डर की थी ब्लैक जीन्स इसीलिए, क्योंकि मैं सोच भी रही थी, मैं ब्लैक जीन्स बहुत कम पहनती हूँ, मेरे पास एक ही है। मतलब जो ब्लैक ट्राउजर्स होता है ना कुर्ते वगैरह के नीचे पहनता, वही मैं टॉप वगैरह के साथ पेयर अप करके पहन लेती हूँ, मुझे वही ज़्यादा कम्फर्टेबल लगता है। जीन्स में बहुत कम वेयर करती हूँ, तो सोच समझ के ऑर्डर किए गए प्रोडक्ट्स हैं। सारी चीज़ें बहुत अच्छी, जीन्स की फिटिंग काफ़ी अच्छी आई है, तो जीन्स भी अच्छी, ये भी अच्छी, जब पहनेंगे तब आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अभी मैं मेरी चाय पी लेती हूँ और अपने प्रोडक्ट लिस्ट करती हूँ बैठ के। और हाँ एक और बात बताना चाहूँगी मैं आपको, खुशी खुशी में इतनी बातें कर जाती हूँ। मैंने मतलब सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी ऑर्डर आ जाएंगे अमेज़न पे। मेरे दो ऑर्डर आए, एक मेरा ऑर्डर कल आया था और एक आज सुबह आया है। तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट लिस्ट हो चुके हैं, 100+ लिस्टिंग कर चुकी हूँ मैं। तो आप भी जाइए अमेज़न पे और ज़ोक ऊपर सर्च में डालिए मेरा ब्रांड नेम ZOKE, और वहाँ पे जाके आप प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, मैंने सबसे पहले पापा को फ़ोन किया, पापा मेरा ऑर्डर आ गया। फिर कल मंगलवार भी था तो फिर हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाया। आप कर लेते चाय इंजॉय। लग रही है इतनी भयंकर पसीने आ रहा है, जुकाम भी लग रही है। अभी मैं जस्ट सब्जियां लेके आई हूँ इसलिए ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो हर बुधवार को मैंने बताया था यहाँ पर हमारे घर के पास एक मार्केट लगता है सब्जियों का लोकल, तो वहीं से सब्जियां लेके आई। वैसे अजीब सी गंदी गंदी सब्जियां हो रही थी, दो तीन सब्जियां लेके आई हूँ। मेनली तो मतलब मैं गई थी सब्जी बेचने वाले तो यहाँ पे भी आ जाता हमारी गली में, बट मेनली मैं गई थी प्याज के लिए, प्याज और लहसुन ख़त्म हो रहे थे तो वो लेने थे। अभी परी मम्मी पापा के पास खेल रही है तो तब तक मैंने सोचा लहसुन प्याज वगैरह छील लेती हूँ, आलू सोयाबीन की सब्जी बनाऊँगी उसी के लिए। मेरी प्याज मेरा लहसुन छीलते हैं। तो कल तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी शाम को, तो मैंने कुछ शूट नहीं किया। तो अभी परी के पापा ऑफिस जा चुके हैं, परी को नहला दिया है और अभी बज रहे हैं, वैसे एक बज रहा है, काफ़ी लेट हो गया। काम वाम तो सब हो गया, ऑलमोस्ट सारा ही काम हो गया है, बस परी को नहला। मेरा नहाना बाकी है,
मैंने कपड़े डाले हैं धोने के लिए, तो वो धुल जाएंगे, उसके बाद मैं नहाऊंगी। और कुरियर पिकअप के लिए भी आने वाले हैं, तो फर्स्ट जो पिकअप हुआ था वो कहीं और से पिकअप करवा दिया था मैंने, बट आज का जो ऑर्डर आया हुआ था वो आज वो घर पे ही आएंगे लेने। अब से वो घर पे आया करेंगे, उन्होंने बोला कि आप एक बार मेरे को एड्रेस बता दो, मतलब आ जाएंगे ना उन्हें घर का पता चल जाएगा, फिर वो रोज़ मैं जैसे गेट पे रख दूँगी अपने आप पिकअप लेके चले जाया करेंगे जो भी ऑर्डर्स आए करेंगे। तो भगवान की दया से सब कुछ सही चल रहा है, अच्छा चल रहा है। थोड़ी सी तबीयत डाउन है, वो सही हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर ये अपने एप्पल इन्जॉय कर रही है, खाना इसको मैं मेरे साथ खिलाऊंगी। सुबह उठी तब इसे दूध दूध पिला दिया था, इसने टॉस वगैरह खा लिए थे अपने, अभी एप्पल खा रही है और साथ में इसकी राइम चला रही हूँ ताकि मैं कपड़े धो लूँ। ये दी परी, और ये बैठी किस पे है? ये अपने पॉटी पॉट पे बैठी है। एक्चुअली ये ना मतलब ऐसे स्कूटर भी बन जाता है, ये इसके भुआ सा ने इसके बर्थडे पे दिया था परी को, तो इसको पॉटी पॉट नहीं बनाती हूँ मैं क्योंकि इसको डर लगता है इसमें पॉटी करने में। ये अपने कमोड पे ही जाके करती है, इस पे नहीं करती है, तो इसे ये स्कूटर ही बनाया हुआ है। ये बढ़िया इस पे अपने बैठ, पहले नहीं बैठती थी जब बर्थडे के टाइम पे तो इसे डर लगता था, बट अब बैठ जाती है, पैर जा रखे हुए दोनों साइड पैर करवा के। मैं इसे चल खुद नहीं चला पाती, मैं इसको जैसे पुश करती हूँ तो फिर ये बैठ के इंजॉय करती है। अभी अपने बैठ के इस पे अपने एप्पल इंजॉय कर रही है। क्या हुआ परी, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? खा लो आप एप्पल खा लो, ठीक है, मम्मा काम कर लेती है, खा लो। मैं भी खा लूं? अभी आप खा लो फिर मम्मा खा लेगी। बेटा आप खा लो, आप खा लो, बाद में मम्मा खा लेगी। अच्छा अभी खाएगी मम्मा भी, इसको हर चीज शेयर करके खाने की आदत है। बेटा आप खा लो, आप खा लो, मम्मा बाद में खा लेगी। लो परी, मेरे को खिला के मने, इसको स्कूटर पे बैठना नहीं आ रहा अपने पे। बेटा दोनों साइड पैर करके बैठते हैं, हाँ दोनों साइड पे, अ गुड गर्ल, मेरी शाना बेटा तो बहुत शानी है। 4:30 और बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही जाने की, बट मुझे जाना पड़ेगा, मुझे अर्जेंट छोटवाड़ा जाना है, ज़रूरी काम है, कुछ खरीदना है। और मैं ना काफ़ी दिन से टाल रही थी, मैं सोच रही थी संडे अगर गौतम मना फ्री होंगे तब उनके साथ ही मार्केट होके आ जाऊँगी, बट जाना ज़रूरी है तो स्कूटी से जा रही हूँ मैं। परी को मम्मी पापा के पास छोड़ गई हूँ, खेल रही है वो अपने बाबा के साथ, मम्मी तो सो रहे थे, तो पापा जी को मैं बोल आई हूँ कि मैं झुटवाड़ा जा रही हूँ, तो वो बता देंगे मम्मी को। तो फटाफट कोशिश करूँगी विदिन 1 आवर वापस आ जाऊँ। धूप हो रही है बाहर, इच्छा नहीं हो रही जाने की, बट थोड़ी और लेट गई तो फिर आते टाइम अंधेरा हो जाएगा। अभी मैं बैठी हूँ लैपटॉप खोल के, ये थोड़ा सा एक काम था वो कम्प्लीट, जाते जाते याद आ गया, मैंने सोचा कहीं लेट ना हो जाऊँ तो अभी कर जाती हूँ, तो वो काम कर रही हूँ और फिर निकल रही हूँ जाने के लिए। रेडी, हेलमेट ले लिया, बैग ले लिया, घर की कीज, चलो चलते हैं। स्कूटी की चाबी, मैं स्कूटी की चाबी में नया कीचेन डाला है यूनिकॉर्न का। मैं आई तो झोटवाड़ा थी, बट मैं पहुंच के नेशनल हैंडलूम और यहाँ से मैंने इतना सारा सामान ले लिया, काफ़ी सारा सामान घर का बच रहा था, और जो झोटवाड़ा लेने गई थी वो तो मिला नहीं, और अब मैंने कुछ नहीं खाया, मुझे लग रही है भूख, बट कुछ नहीं खाऊंगी, घर जाके खाना बनाएंगे और खाना खाएंगे, बाहर का वैसे ही आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो चलते हैं अब घर। तो मैं आ गई हूँ घर पे। अरे वरे, परी का नाइट सूट सुखा रखा है, अभी रात को पहनाना है, बट वो सूखा नहीं था, वॉश किया था इसलिए। हाय राम, थक गए भाई, बहुत गर्मी है बाहर, बस की नहीं आना जाना बिल्कुल भी, और जो काम के लिए गई थी वो हुआ भी नहीं, सच बताऊँ तो अर्जेंट जिसके लिए गई थी, बट फिर मैं आ गई। 1.5 घंटा ही लगाया मैंने, ज़्यादा नहीं लगाया क्योंकि हैंडलूम चली गई, वरना वो भी नहीं लगता, क्योंकि ना हैंडलूम में एक तो परी की मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ख़त्म हो रही थी, खाना बनाने वाली जो परी की चीज़ें बनाती हूँ मैं। फिर वहाँ गई तो मैंने एक बार हैंडलूम से ट्राउज़र लाई थी, उसका कपड़ा इतना अच्छा था, मतलब मुझे बहुत पसंद है, बट उसके अब हैंडलूम में आया ही नहीं स्टॉक, तो अभी आ रखा था वो, तो मैं 3-4 उठा लाई अलग अलग कलर के, तो उसमें टाइम लग गया थोड़ा सा। मैं सब घर आके पहुंची हूँ और अब खाना बनाने की तैयारी करेंगे, क्या कर सकते हैं, काम भी तो करने पड़ते हैं घर के, कहाँ जाए हम। आई एम जस्ट किडिंग, खाना तो बनाना ही है, मैं खुद भी कुछ भी नहीं खा की, पताशी देखी तब मन कर रहा था पताशी खाने का हैंडलूम के बाहर, बट वो भी नहीं खाई मैंने, अपनी पानी की बॉटल लेके गई थी, शॉपिंग की, बिलिंग वगैरह कराई, स्कूटी के पास आई, पानी की बॉटल निकाली, पानी पिया, स्कूटी स्टार्ट की और चल दी वापस। बस अब लगता है खाना वाना बनाने में। ये हमारे परी भाई साहब, ये परी भाई साहब, काय करो परी भाई साहब,
कहीं करो कहीं करो, मम्मा कहाँ गई थे परी को जोड़ के? अच्छा आपकी राय मोहन कर दो, इसको राय मोहन करवाने इसलिए आई है मेरे पास। आपने पपाया फिनिश कर लिया अपना? वैसे मैं इसे फ्रूट शाम को देती नहीं हूँ, बट अभी मैं इसे कुछ खिला देती ना, मतलब और ऊपर का कुछ, तो फिर ये खाना रोटी नहीं खाती और पूरी रात फिर मुझे दुखी करती, दूध पीती मेरा। तो छोटा सा इतना सा मैंने पपीता, मतलब पपीता रखा हो तो इतना सा पपीता का टुकड़ा काट के इसको प्लेट में दिया था, इसकी पूरी फिनिश कर दी। इसको भूख लग रही थी। यस यस यस।